विलियम हर्शल ने यह पता किया था कि सूर्य और उसके ग्रह मिल्की वे में घूम रहे हैं। और उनके बेटे जॉन का क्या हुआ? बड़ा होकर वो एक महान वैज्ञानिक बना। अपने पिता के साथ उसने बचपन में स्पेस को जितना देखा था, उसकी बदौलत उसने आकाश गंगाओं का वो कैटलॉग बनाया जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। जब विलियम की सेहत गिरने लगी तो जॉन उनके साथ पूरी पूरी रात टेलीस्कोप से तारे देखने में उनकी मदद करते थे। और जब उनके पिता की मौत हुई तो जॉन ने उनकी कब्र पर यह लिखवाया, जिन्होंने स्वर्ग की दीवारों को तोड़ दिया। जॉन को अक्सर अपने पिता के साथ बिताई गर्मियों की वो रातें याद आती थीं। शायद इसीलिए उन्होंने गुजरे वक्त को सहेजने का तरीका निकाला। जॉन हर्शल एक नए तरह के टाइम ट्रेवल की शुरुआत करने वालों में से एक थे, जिसमें लाइट और यादों को कैद किया जाता है। उन्होंने इसके लिए एक शब्द भी दिया था, फोटोग्राफी। अगर देखा जाए तो फोटोग्राफी का मतलब ही है वक्त में पीछे जाना। यह इंसान हमें सदियों से ऐसे ही देख रहा है, लाइट ने इसे सहेज कर रखा है। हो सकता है कि आने वाले कल में हम गुजरे वक्त को तीनों डायमेंशंस में सहेज कर रख पाएं। हम यादों के अंदर भी पहुंच सकते हैं। समय में पीछे जाना शायद मुमकिन ना हो पाए, मगर शायद एक दिन हम गुजरे कल को अपने पास ला सकते हैं। इससे मुझे आसमान के उन घोस्ट स्टार्स की याद आती है, वो तारे जो मर चुके हैं मगर उनकी रोशनी अब तक हमारे पास आ रही है।